जी यार, इश्क तेरा 20 अप्रैल को आ रही है। ये जो फिल्म है, इट्स एन ऑफ बीट फिल्म। इसके अंदर जो मेरा किरदार है, उसकी जो बीवी है, उसको उसके जो स्प्लिट पर्सनैलिटी, तो आई थिंक अक्सर आजकल ऐसा होता है, बार बार अक्सर निकलते हैं मुझसे भी अक्सर रिलीज होते हैं, तो अक्सर आजकल ऐसे होता है, कुछ हादसे होते हैं हमारी लाइफ में जिसकी वजह से वी डेवलप अ डिफरेंट पर्सनैलिटी विद इन आवरसेल्फ। सो दिस फिल्म इज़ अबाउट दैट। माय वाइफ कैरेक्टर प्लेड बाय रिशिता भट्ट, शी फेसेस अ स्प्लिट पर्सनैलिटी एंड द काइंड ऑफ थिंग्स जो जैसी चीज़ें होती हैं उनके साथ और कैसे आपको पेश आना चाहिए उनके साथ। तो ये फिल्म इज़ अबाउट लव, फैमिली एंड कमिटमेंट। तो ये कहना चाहूँगा कि किस तरह का अनुभव था इस फिल्म में और क्या कहना चाहेंगे, ऑफबीट कर रहे हैं, ऑफबीट क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्या डिफरेंट है जो ऑफबीट? आई डोंट थिंक मेनी फिल्म्स आजकल इतनी फिल्में बनती हैं ऐसे सेंसिटिव इशू को लेकर। बहुत लोगों को आई थिंक इंडिया में पता नहीं है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, लेकिन ये स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, हम जान के भी उसका अनजाना करते हैं। बट ये है, तो ऑफबीट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये टॉपिक ज़्यादा फिल्मों में दिखा नहीं है, इसलिए मैं उसको एक ऑफबीट फिल्म बोल रहा हूँ। आपके अलावा और भी कई आर्टिस्ट हैं, अमन वर्मा जी हैं और मनोज बाबा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अनुभव था उनके साथ काम करने का? इट वाज रियली लव, आई वर्क विद मनोज जी बिफोर, जो मेरी पहली फिल्म आई थी लव एक्सचेंज, उसके अंदर वो मेरे ससुर जी वुड भी ससुर जी बने थे जो मेरी हर तरीके से बैंड बजाते हैं। तो इस फिल्म में भी ही इज़ प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर, जो मेरा तो है ही हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर है, दैन जो ऑफिस में जो मेरी वाइफ काम करती हैं वो मनोज जी उधर के बॉस हैं, एंड अमन वर्मा इज़ ऑल्सो इन द फिल्म। वेरी टैलेंटेड एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स से सीखने को बहुत मिलता है। एंड तो इस फिल्म में भी मैं तो बोलता हूँ हर फिल्म से कुछ ना कुछ सीखो, एंड एज एन एक्टर कीप ग्रोइंग। एंड बिसाइड दिस प्रोजेक्ट, एनी अदर प्रोजेक्ट वर्किंग राइट नाउ? आई जस्ट वेंट इन शॉर्ट, अभी अभी ऑलमोस्ट फिल्मिंग हो चुकी है। राजपाल यादव जी के साथ काम किया, मनोज जोशी जी एंड नरेंद्र झा, एंड हु रिसेंटली पास्ड अवे, एंड ही वाज बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स, so rest in peace sir. And the main actress is Gurleen Chopra, and we also have Saurav Chakrabarty in the film. So wo ek film hai, mere ek music album abhi release hui Zee ke through, Zee music, Tu Shifa Meri. So wo bhi ek aap dekho YouTube pe jaake Tu Shifa Meri, to aapko pasand aana chahiye hopefully wo gana. Aur dheere dheere cheeze lined up hai, pehle Ishq Tera right complete kar le, 20 April ko release ho rahi hai. Definitely, you know, this has been like a opening for me that I have discovered myself as a writer. The director, that is Sir Jojo, has been, he's very close to me, and like he has seen me grown up as a child, and I would completely credit him for being able to let me know that I could do this, because I think I came up with a story at like I think in the next 10 minutes or something, and we came up with the whole plot, and then the whole scenario and the procedure was carried on. When I initially wrote the story, I wasn't really sure it's going to come up to this level, and it is really surprising, and I'm really glad that I was being able to present it to all of y'all, and I hope people are going to love whatever we have made for y'all, and it's a very unique and it's a very different concept, and yes, the story is kind of based on a real life, and nothing really on a specific person, but then it is something that people should be interested in. You're interested just in client towards writing, or you do have some other aspiration as well? Well, that's a very good question. Actually, I see myself as a very multitasking person, and I have just explored, and I'm really young. I don't want to number it, but then I'm really young, and I have just explored myself that I can even write. But what happens sometimes in writing is that you're not able to come up with the best kind of story. So it's not necessary that everything you write is going to be liked. But my preference, a lot of people tell me that I should also try and act, because I'm also a drama student and everything. But then I suppose before going in front of the camera, I should look behind the camera and understand it better, present it in there a better way. Very few female story writers in Bollywood. I said, how privileged you know, being part of the industry and being a writer or story writer. And is your interest inclined towards writing a script for Hindi movies only, or there is some other interest as well? Well, after this project, I have definitely started and taken up writing really seriously. I remember I didn't even have a registration of a writer before writing the story. And you know, I just keep thinking more, and you never know what I might just come up with. So that is also a thing, and writing is something that is going to take a lot of time, and it requires a lot of brains and a lot of patience.
So that is something that is initially working on this side, and I am also concentrating on other things because I am also a college student. So lastly, I mean, what future projects are working on right now? Are you looking for any other movies you are working in, any other story as well, besides this? Well, I have two, three projects come up, and actually I got involved in this field because I was a part of the Femina Miss India 2015 batch, and I was the winner of the title Miss Body Beautiful. So since then I was practically introduced to the industry. Since then I've always been introduced to various projects, but then it's like taking the wise choices and not letting some of the things until it happens to name it. So you consider yourself beauty with brain, I think. I think that is something that's like a compliment I just received, and I'm just going to take it in and not say anything about it. Thank you. ये एक तरह का कहना चाहिए कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है फिल्म जो है, जो और लव स्टोरी है. तो उसमें जो है जो ऋषिता जी हैं अपनी वो प्ले कर रही हैं, वो साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टर है जो अपने रूप बदल लेता है ऐसा, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में जो खलबली मचती है. तो वो एक ऑफिस में काम करती हैं, उसके अंदर जो उनके जो बॉस हैं उसका एक कैरेक्टर जो मैं कर रहा हूँ. तो क्या कहना चाहेंगे कि जो आपका किरदार कितना प्रभाव छोड़ेगा फिल्म पे, मतलब कितना? वो फिल्म में इम्पॉर्टेंट है क्या, क्योंकि वो जो मेन कैरेक्टर हैं ऋषिता जी, उनके ऑफिस में वो काम करती हैं. तो आपकी ज़िंदगी में जो आपके जो बॉस होंगे वो आपकी ज़िंदगी में कुछ तो प्रभाव छोड़ते होंगे ना लाइफ में. कभी तो आगे आपने अपनी बीवी को डांटा होगा, उनका कुछ साउंड पे निकाला होगा ना, तो प्रभाव तो पड़ता ही है ना. क्या बहन जी, बाप बॉस का गुस्सा आगे बीवी भी निकाल दे, प्रभाव जो पड़ता है तो वो तो पड़ता ही है. जो ऐसा ही कुछ इसमें स्टोरी में पड़ा ही होगा. सर, ये जानना चाहूँगा जो वेरिएबल कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, कैसे अडेप्ट करते हैं उस कैरेक्टर में, क्योंकि ज़्यादातर कॉमिक आपको करते देखा गया है. तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना डिफिकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है उस कैरेक्टर में अडेप्ट करना? चैलेंजिंग तो होता है, हर काम चैलेंजिंग है. मतलब उसके लिए तैयारी करते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं डायरेक्टर साहब, पढ़ते हैं उसको, फिर वो जैसा थोड़ा स्क्रिप्ट से समझ में आता है, फिर डायरेक्टर साहब जैसा सेट पर हमको निर्देश देते हैं, तो उसके उस हिसाब से उसको हम लोग कर देते हैं. सर, टेलीवीज़न और फिल्म तो काफ़ी पुराना मीडियम है, वेब सीरीज़ एक नया मीडियम क्रिएट हुआ, वो कितना प्रभावशाली आपको लगता है? और आप भी एक वेब सीरीज़ कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे वो कितना प्रभावशाली एक्टर मीडियम से? प्रभावशाली क्या मतलब, ये समझ लीजिए कि टीवी मतलब सिनेमा बाहर था, फिर टीवी घर में आ गया, अब समझ लीजिए वो पॉकेट में आ गया, आता जा रहा है वो. तो वो और इतना ही फर्क है. तो इस प्रोजेक्ट के अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम करने से रहा? कोई बात नहीं, पहले बाहर पर्दे में, फिर टीवी पे किया, अभी पॉकेट में भी करेंगे. हमारा काम तो काम करना है, कहीं करवा लो, हमें देखो कहीं भी देखो, अपनी सुविधा के हिसाब से देखो, हमें तो काम करना है, उसके हमें पैसे मिलते हैं, है ना. आपको देखना कहीं भी देखो. तो अभी वो पॉकेट में है, लेकिन हमारी पॉकेट में आना चाहिए. नहीं, वो सीधी सी बात है, सीधी सी बात भाई, हमारी रोज भाई हमारी रोजी रोटी तो उसी से चलती है ना. आप अपनी पॉकेट में रखो उसको, देखो अपने घर पे टीवी पे देखिए, आप नहीं, हमें तो काम करना है, चाहे वो आप फिल्म के पर्दे पे जाके देखो जाके. दो तीन फिल्में हैं जो मैंने कंप्लीट की हैं, वो आने वाली हैं इस साल के अपने अप्रैल मई में. आई थिंक फिल्म के अंदर आई एम प्लेइंग रोल ऑफ अ डॉक्टर, जो कि जो आपकी मेन कैरेक्टर हैं ऋषिता जी, शी इज़ गोइंग थ्रू अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि सर ने बताया. एंड एज अ डॉक्टर ही इज़ द वन हु उनकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है. उनकी एक बहुत क्लोज दोस्त भी हैं,
तो उन दोस्त के साथ भी एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. सो ही इज़ द मेन डॉक्टर इन द फिल्म हु ट्राइज टू जिन इश्यूज़ के थ्रू वो गुजर रही हैं दोनों की दोनों, तो वो एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एज द मेन डॉक्टर इन द फिल्म. यू हैव बीन पार्ट ऑफ बोथ टेलीविजन एंड इन अ फिल्म मीडियम, तो क्या कहते हैं आपके तरफ जो टेलीविजन मीडियम या टेलीविजन आर्टिस्ट हैं उनका जो क्रेज है वो इक्वली है बॉलीवुड स्टार्स से, क्या कहते हैं कि कितना ज़्यादा प्रभावशाली रह गया है टेलीविजन मीडियम? आई फील टेलीविजन के जो एक्टर्स 2000 से 2005 या 2006 में थे उनका जो क्रेज़ था वो दे के नॉट मैच अप आज के जो हमारे एक्टर्स हैं वो उसे मैचअप नहीं कर सकते हैं. ऑफकोर्स उस समय टेलीविज़न का बूम पीरियड था. आई एम श्योर मनोज जी भी मेरे साथ इस बात का इत्तेफाक रखेंगे. बट अगेन विद टाइम एवरीथिंग चेंजेस एंड इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि मोर नंबर ऑफ़ चैनल्स हैव कम अप. जो हम लोग फोकस हमारा 3 या 4 चैनल पे था आज वो 400 चैनल पे है. तो जब वो हर चीज़ तोड़ी जाती है पैसा अलग इतने हिस्सों में बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है कि जो आईबॉल्स एक शो को मिलने चाहिए, शायद यही प्रोग्राम अगर 2001 में आए होते इन एक्टर्स के साथ मे बी दे वुड हैव बीन बिगर सुपरस्टार्स देन अस. एक दो फिल्में हैं आई थिंक छोटी बजट की फिल्में हैं. तो एक अभी गोवा में शूट करके आए थे लव इन गोवा, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड. उसके अलावा एक लखनऊ में फिल्म शूट करके आया हूँ मैं, आशुतोष राणा मैं और ऋतुपर्णा घोष, वो हम तीन लोग इसके मेन पात्र हैं. तो वो फिल्म भी उसका नाम अभी फ़िलहाल नहीं रखा है. सो दबंग 3 के जो हमारे राइटर हैं शुक्ला जी वो और उनके दोस्त को प्रोड्यूसर हैं, तो वो एक फिल्म है जो मैं कर रहा हूँ. उसके अलावा आई एम ट्रैवलिंग शोज इवेंट्स, फिलहाल टेलीविज़न में नहीं कर पा रहा हूँ. बट that's how it is. सबसे ज्यादा छू रहे छू छुआ है जो गॉड ने वो है लव. यस
इट्स सच अ पावरफुल वर्ड आई मीन वर्ड एक वर्ड पे ही इतनी सारी बस यहां पे एक ही है आई थिंक आई एम आल्सो वन ऑफ देम कम ऑन आल्सो वन ऑफ देम कम फ्रॉम गोवा आई थिंक इट्स नाउ आई कैन से गोवा से आई एम आफ्टर दिस व्हाट आई लाइक टू से इज दिस होल फिल्म हैज बीन लाइक अ ड्रीम कम ट्रू बिकॉज़ टेक्निकली वी वर रनिंग ऑन अ लो बजट बट एट द सेम टाइम वी हैड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम एक्टर्स नोन इन द इंडस्ट्री हु रियली पुट देयर हार्ट एंड सोल इन I know many of these actors who normally don't do big roles for us or small roles, but all of us, at least part of us, came in and said, no, we want to be a part of the film because they believe in what we were doing. Talking of the story basically is based on feelings that we had when Diksha came up with the idea. It was a very small idea that we thought we'd take into a big, go bigger. And I know as the story got bigger, our team started growing and we worked together to give people something that is happening. When we say based on a true story, it was initially based on a simple, supposedly true story of one person. And then we had people who contributed and said, okay, this happened to me, this happened to me. A lot of credit to our producer because he believed in us, our business head, our editor who I think is has done a fantastic job. So the team will be introduced to you all slowly. But what I'd like to say is, come watch the movie, feel the love, and live the pain of a broken heart. Welcome. I'm definitely... Stella talks about a love that is never-ending sort of. Like a shameless type of love, because this guy, when he's in love with a girl, maybe one girl, two girls, when you watch the film, you'll come to know, maybe it's the same girl. He sort of doesn't give up. It's something to do with the male ego. Like I always tell people that if a guy has an affair or sleeps around, the woman is so big hearted that she will actually forgive you once, twice, thrice maybe, four times, I don't know. Not tried it so far. But if a girl sleeps around, even once, even if it's like that aching, and I like that love to be that forever kind of love. So that's why the whole This actually explains now. That's amazing. So I would like to call upon the next important person, jinke agar wo nahi hote, to definitely hum yahan baithe nahi hote. So yes, sir, can we have a big round of applause for our producer, Mr. Deepak Pandekar. All right, so I would definitely like to know your perspective, your point of view, why you thought of, you know, going ahead with this story. Well, of course, Jojo is a very close friend. Known him for over 20 years. He's always been very creative in whatever he's done, right from school, whatever I've been doing with him. When he came to me and said that I've done films and lots of films, I've done company films, done Hindi films, but I want to take one step ahead and want to do a Bollywood commercial film. I have a story. The story was fantastic. We had a great team. He told me the type of people he was looking at to have in this movie. And it just went off from there, and I think it just went up and everything was perfectly smooth. So I think I believed in him and I will always believe in him. Thank you so much, sir, for being inside about why he decided to produce this film. Well, going ahead, we have someone special, the business head of this film. Mr. Umesh Sinha, please I request you to join him on the stage. Thunder's round of applause, please. Umesh sir, sir, मुझे बताइए जब आपको पता चला कि जोजो सर ने इस मूवी का नाम इश्तेरा रखा है, how was the reaction all about? पैसे खर्च हो जाएंगे. Oh, पैसे खर्च हो जाएंगे. This is the first reaction you have, definitely. See, my job is finance. Oh, yeah. So, I always say पैसा आना चाहिए पैसा खर्च नहीं होना चाहिए पर सर जब मालूम चला कि इतना पैसा खर्च हो रहा है और आपको पैसा बचाना है तो आपने कई कई सारी स्ट्रैटेजी लगाई होगी बराबर पर जब ऐसे मालूम पड़ा कि टाइमलाइन इश्ते रखा गया तो डिड यू थॉट कि बस अब जितना लगाना जो जो लगाओ आपने डिसाइड कर दिया सब कुछ आगे कर दिया जो जो जितना लगाना लगाओ दिल से लगाओ और सबको खुश कर दो नहीं नहीं बट जो स्टोरी जो जो ने बताई उसको डेवलप किया विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द एक्टर्स सपोर्टिंग पीपल तो उसमें हमारा रोल बनता था कि उनको सपोर्ट करते
and his team and Mr. Deepak's energy. So I had to be a player supporting role. I cannot be anything else. You are the main support system, I can see that. Thank you so much, sir. Thank you so much. Well, yes, next I would like to call upon our music composer, Swapnil Dhingle. Can we have you on the stage? Swapnil ji, we have seen the trailer, but here the excitement is filled with music. So, I think you might have something in mind before obviously going on ahead with the music. So, what were your thoughts? While making the music? Actually, Jojo sir se pehli mulaqat hui, unhone just ek script bheja, to uske upar kaam chalu kiya, to build up hote gaya, lekin every song is based on his idea only, because the lyrics part sir ne jaisa bola waise likh ke fir composition kiya hai, to Jojo sir ka bahut usme role hai. Abhi gaane sunenge to aap. They're all excited for the music. Are you all excited for the music? Sab uske intezar kar rahe hain, but main sir ne bahut gana ek baat bolna chahta hu ki inhone jo support diya, because main new hu industry mein, koi nahi janta, so Bollywood mein bahut difficult rehta hai ki unknown person ko itna zyada support jaldi se nahi milta hai, to BB ke team ne mujhe jitna support diya wo usse mujhe bahut taakat mili, to thanks to all the BB and my whole music team. Thank you so much. And teamwork se hua hai sir. Definitely. Teamwork, I think, sabse zyada yahan pe everywhere. Yes, basically teamwork plays a vital role. So yes, to join up the team onto the stage, can we have our line producer, Mr. Mahesh Kohli? सर जी obviously ऐसे तो हो नहीं सकता, हम आपके thought नहीं पूछे. पहले आप एक चीज नोटिस नहीं, महेश आते बस मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन हटाइए. क्या मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं लाइन प्रोड्यूसर हूँ, मैं इतना कुछ किया है, पर कितना किया आज. बस म्यूजिक स्टार्ट करो यार, I want to listen to the music. बस बताइए आपके दिल में क्या है, बताना चाहते थे. सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्कार, जो हमारे निमंत्रण को सम्मान देके यहाँ पे आए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जोजो सर का, राजकुमारी मैडम का, जिन्होंने मुझे एज ए लाइन प्रोड्यूसर चुना इस प्रोजेक्ट के लिए, और दीपक सर जैसे प्रोड्यूसर के साथ काम करने को मिला, सिन्हा सर इनके साथ काम करने को मिला, तो ये पिक्चर करते वक्त ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने जो डिमांड की वो पूरी नहीं हुई. तो सब कुछ जो हम चाहते थे फिल्म में, लोकेशन या बहुत कुछ चीज़ें ऐसे थी, तो हमें मतलब बहुत टाइम पे मिलती थी, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा. और गाने तो आप सुन ही लेंगे, गाने आपको पसंद आएंगे. एक बार फिर से आपका शुक्रिया. थैंक यू सो मच महेश सर. वेल मूविंग अहेड, वी हैव समवन स्पेशल, एडिटर एंड द प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हेड विद अस, सपना नायक विद अस टू जॉइन ऑन द स्टेज. प्लीज गिव अ थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सपना नायक. Well, yes, ma'am, if you'd like to share of your experience being, you know, associated with Ishfira. Actually, I would like to thank Jojo sir for giving me the opportunity to edit and handle all the production of Ishfira. It was nice experience working with all the actors, especially Rishita Bhatt and Mohit Madan and all, and other actors too. So it was a very good opportunity for me to... But each is not a game, Pallavi. जोजो सर की टीम में बहुत से नए लोग हैं, लाइक इट्स गिवन टू ऑल द नॉन पीपल एंड न्यू पीपल एंड आल्सो, और सबको मिलके एक फैमिली बनाई है. व्हेन फैमिली वर्क्स टुगेदर दे कम आउट टॉप वेरी इजीली, आई कैन सी दैट. बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन एवरीवन ऑफ यू. सपना के बारे में, इस सपना को अपने काम के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि बड़े बड़े लोगों को भी उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ. एंड पिक्चर की जो एडिटिंग हुई है वो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यस, इट इज द बेस्ट. I must give credit to her. पर जोर का तालियों का सपना जी दीजिए. All right, मैं इनको credit देना चाहूँगी, मतलब इन लोगों का मुझ पे जो
भरोसा था उसकी वजह से मैं ये सब कर पाई. इसके लिए मेरा क्रेडिट हमारी टीम को, पूरी टीम को जाता है. इट्स नॉट द फुल फैमिली ऑफ इश्किया, यस, नॉट वन पर्सन वर्क, इट्स फुल टीम, व्होएवर, ऑल आवर क्रू, ऑल आवर डायरेक्टर, ऑल प्रोड्यूसर, एवरीवन, स्पेशल एक्टर्स, निशिता पटेल, द वेरी, यू कैन, आई विल नॉट टेल मच बिकॉज़ यू हैव टू गो टू सी द मूवी. इफ आई हैव द अगर मैं एडिट कर करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी है बार बार इश्ता को कट करके, वो थी यार बंदी ने बड़ा अच्छा काम किया. ओके, सो आई एम हियरिंग ओनली वन नेम आउट हियर अगेन एंड अगेन, दैट इज रिशिता बहुत, रिशिता बहुत, एंड आई रियली एम वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन शी कम्स अप ऑन टू द स्टेज एंड आई गेट अ चांस टू हैव अ वर्ड. कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली रिशिता बहुत. Has written, I think, out of some real life
experiences as well. Kuch events se humne adaptation kiye hai. And I have seen some cases like that. So mujhe laga ki as an actor, I think ye mere liye bahut bada challenge hoga. Something I have not done. And maine turant hi nahi haan kaha. Maine thoda sa ek din ruke kaha, theek hai, I can probably live up to this. And I tried. I'm definitely sure that we're gonna love you onto the screen. Well, one last question for you. I think when we take up a project, we actually give up more than 100% to that project. So I really want to know from you, which was your, if I just ask you to pick one, which was your favorite memory while shooting for Ishq Tera? When I was dancing. And Amjad was calling the shots. I enjoyed it, bas. Wo mere liye breather tha. Okay, so I think from that, I could come to the conclusion. And that you apne ke gaane sahi mein achhe hai. He's being too humble. Inhone Alright, so I think we should not keep the cast waiting. And yes, I would like to call upon the handsome hunk here who is sitting under the roof. And I think yahan pe sabhi log bade excited honge unko yahan par bulane ke liye. So ladies and gentlemen, can we have a big round of applause for Mohit Madan, everyone? So yes, more people. Come on, everybody.
मनोज जी थोड़ा सा चेक करिएगा. मेरे पास अभी का नंबर है. आई नो यू हैव टू गो एंड आई नो व्हाट इज वेटिंग. Yes, I really want to know how you feel being associated with Ishq Tera. Wonderful. I think it's a brilliant film, and I really wish jo main character tha wo male hota to I would have had the opportunity of performing two different characters. And as an actor, isse badhiya baat kya ho sakti hai ki ek film ke andar aapko do roles karne ka mauka diya jata hai. And for a moment you do a particular role and then you perform the other one. But I hope I get the opportunity next time when you're making the next film. So absolutely. I'm sure I haven't seen the film completely or uske portions bhi nahi dekhe, but I'm sure whatever I've seen on the trailer, Rishit has done a brilliant job. Absolutely. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay. And of course, Ishq Tera is the name of the film. So, ek chhota sa sher mujhe yaad aa raha hai. I'm sure Shahbaz is going to love it. Ki aukaat nahi hai zamane mein ki meri kimat laga sake. Aukaat nahi hai zamane mein ki meri kimat laga sake. Wow. Kambakht, ishq mein kya doobe, muft mein nahi laga. आपने सही कहा. मैं जिनको बुलाने वाले हैं वो ऑलरेडी एक्साइटेड है स्टेज पाने के लिए. सर, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन इन द थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मनीष पावर सर. नेक्स्ट प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ दैट इज सूरी प्लीज. और उस फिल्म को पर्दे तक पहुंचाना तो और भी मुश्किल काम है, आप सब जानते हैं.
तो मैं सारी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि इस मकाम तक पहुंचे। और इश्क की इतनी बात हो रही थी तो और हमारे भाई अमन ने एक शेर कहा भी, तो मैं भी एक शेर सुना दूं। तू ढूंढ फलक पे बाग इरम, फलक पे बाग इरम मतलब तू आसमान पे जन्नत के बाग ढूंढ, तू ढूंढ फलक पे बाग इरम, अपना तो अकीदा है जाहिद, जिस खाक पे दो दिल प्यार करें वो खाक ही जन्नत होती है। क्या बात है। सो आगे बढ़ने से पहले जहां से ये नींव आई, जिन्होंने ये मूवी की स्टोरी का आइडिया दिया, उन्हें भी यहाँ पे स्टेज पे बुला लेते हैं। प्लीज कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द ब्यूटीफुल दीक्षा। Jojo sir is actually a very good family friend. He's seen me grow. I think he's seen me from the time I was 10. And he has always been somebody who has appreciated my efforts and my talents and always keeps posting me. He always always dropped me one message at least in 2 months to just appreciate however I am. And I remember before coming up with this story, initially were thinking, because somehow he is a very broad-minded person and loves to take ideas from everybody, no matter who it. It was a really exploring place for me to just know what I could do, and I am really glad. No, one more thing, why writing the whole character? There are so many disorders that need to be known. And this was something I was already working on, and yes, it stressed my mind more because I was witnessing some real life instances which were contributing to it. That when you think, you create. And because it was already at the back of my head, and when we had to convert it into a story, that was how it happened. That's amazing. Thank you so much. Well, yes, Mac, next I would like to call upon Mr. Ujjwal. Can we have you onto the stage? Yes, he is playing the role of Karan Kapoor. So glad to have you. Thank you so much, everyone. Very, very good evening. Well, yes, you are. If you want to state up any incident, the best one about your character into the movie, Ishtira. First of all, I'm very happy that I'm not so visible in trailer, because my character is very, it's very important character. It has to be some suspense in the film. And I was very happy with the character when I was playing. It's still start of my career in India. And it was a great experience. First time I was in Goa, and always people have been wondering why I never came to Goa. Why you never go to Goa? First time I go to Goa, I go through my work. So that was my first experience in Goa, and thanks to him, I got this beautiful opportunity to work there. And for sure, our producer saw the hospitality, it was amazing. So, Thank you so much. Thank you so much. Well, moving on, we have someone special. Pyumori Mehta Ghosh. She's playing Kalpana's mother character. Okay, so can we have Miss Sandhya onto the stage? Hi everyone. Hello. So yes, how has your experience been associated with us? Yeah, it was wonderful experience, wonderful people, wonderful locations. I really enjoyed a lot, learned a lot.
Thanks, Mr. Jojo. Thank you, everyone, for the trust. Thank you so much, and we are looking forward to see you on the screen. Sure. Well, right now, the next whom I'm good looking, I am actually looking forward to call upon. Believe me, she is the cutest one and the youngest one. So yes, can we have a round of applause for Razlan, everyone? Hello. Okay, so would you like to say something to people, first of all? Would you like to say something to the audience? They are actually looking forward to have a word with you. Good evening, everybody. I want to say that I enjoyed the shoot, and I like my parents in the shoot. Okay, so actually I was going to ask that question, that among all of them, who is the best one, like you gelled with? Who is the first, your favorite one? Mama or Papa? Papa, Mama or Papa, which, who was the first? You're confused. So, come on, you have to give me one name. Come on. No. Okay. That's nice. Abhi say diplomatic hai. That's really good. Choose the answer. All right. So yes, we have to go ahead for the moment which everyone was waiting forward for. So yes, I would request the chief guest for tonight. Yes. Okay. So now you have to say her name. She's the favorite of all. Come on. Okay. She still has a confused face. By the time has come to announce the music banner, Red Ribbon, and I would call upon Lalita ji to come on the stage, please. Well, yes, she's the chief guest for tonight, and we have Lalita ji Munsha onto the stage. Thank you. Well, moving on, I would also like to have our distributor, yes, Red Junior Entertainment, Vinod Nishan. Well, moving on, can we have the marketing and promotion team, Media Magic, Pallavi and Karan onto the stage. And yes, sir, can we have the choreographer, Amjad and Shafiq onto the stage. Right, so before we come to the moment which we were waiting for, yes, I would request Lalitya ji to please step forward if you want to share up any few words with us. Yes, it's a very, very important moment for me. As you know, all the singers who have sung in the movie, I mean, who could be better person than giving a voice to a romantic song, Sonu Nigam and Shreya Ghoshal? It's a pain and lust, Sunidhi Chauhan and Siddharth Mahadevan. I think all four singers are brilliant, and I'm really very, very happy that the music composer Swapnil and the lyric writer Manoj, they have roped in amazing, fresh, beautiful compositions, and everything is visualized so nicely because the beautiful and charming Shtigati, the handsome Mohit, yes, Aman, I'm so happy to see him, Manoji, Abbasji, I'm so happy, it's a brilliant team. And so the music and the actors, they are, I think, the best, and I'm so happy that our producer has been a great businessman, and I think it is his first venture in our entertainment field, so Media, I want to request all of you, my friends, that please make sure that this beautiful movie reaches to millions. And as a music label, I'm promising that the music will reach to millions. And today we have released one song of Sonu Nigam, and every few days we'll release one video, one song. So you have to share it and love it. Thank you.
Thank you so much. And, yes. And one important thing, the Nelly. Person who introduced me to this whole thing, you know, we know Nishalji and Pallavi, their company, Media Magic, they've been so hardworking and enthusiastic and honest, and I'm really very, very thankful to them for introducing me to such great people. Thank you so much. We are glad to have you in our team. So yes, finally the moment is your. I would request, yes. All right, so we have the choreographer here. Amjad, can we have you here, please, if you would like to share your thoughts, please. Experience from here, I started doing my own projects. This was a very nice project for me. I got trained under Shafi Bhai. He's my guru, basically, and he's my partner now. Started working together. He trained me for 5 years on editing, all the small shoots and everything. Now, this project, I came up with the idea where Jyoti sir discussed the story and I gave some ideas. The best part was Jyoti sir said, it's your baby, just give the birth. That was the best sign from Jyoti sir. So he didn't interrupt me, ye mat karna, ye nahi hai. Yes, on budget wise there were things, but again, thanks to Deepak sir. So he allowed everything. I asked for a fort. We need drones. We need Jimmy steady. So we tried. Yes, that's all. Come on, for this moment we were waiting since we started off. Come on, people, can we show some energy? Yeah. Come on. And the moment has come. Alright, so before we go ahead, can we do a countdown, please, if you don't mind? Alright, ladies and gentlemen, countdown from 5, but yes, in your voices, everyone, 5, 4, 3, साथ खड़ी हैं दीक्षा सिंह. इन्होंने बहुत यंग है, कॉलेज स्टूडेंट. इन्होंने फिल्म लिखी है और बहुत मतलब खुशी की बात है कि ऐसे यंगस्टर्स इतनी कॉम्प्लेक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड कहानी कैसे लिख लिया आपने. और इट्स अ वंडरफुल फीलिंग. जोजो ने बहुत अच्छा काम किया है और ऋषिता का तो टेलर मेड रोल है. दोनों रोल उसने बहुत अच्छे से निभाए. मैं इस फिल्म में मतलब जो मेरा रोल है वही है जो नेगेटिव है. वैसे मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ अब रोल्स के साथ और मुझे खुशी इस बात की है कि ये फिल्म रेडी हो गई, बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है. आई विश द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट और मैं तो यही दुआ करूँगा कि ये फिल्म बहुत तरक्की करे, क्योंकि जब फिल्म इंसान बनाता है तो उसकी औलाद की तरह उस फिल्म को बनाता है, पालता है. और जब वो फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके ख्वाब पूरे हुए. रनिंग प्रोजेक्ट क्या कैसा लगा? रनिंग प्रोजेक्ट है मेरा एक मी टू में भी है
इश तेरा है, चार पांच ऐसे चल रहे हैं फिल्में आ जाएंगी अभी इसी साल, मेरी चार पांच फिल्में आएंगी। क्या कहना चाहेंगे सर के साथ, कैसा लगा आपको? जैसा कि सर ने बताया, मेरा रोल मतलब छोटा सा लिखा है इसमें। तो जैसा कि सर ने बताया, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे सच में नहीं पता था कि वो जो कहानी मैं लिख रही हूँ इस मुकाम पर पहुँचेगी, और जिन एक्टर्स को मैं टीवी पर देख के उनसे डरती थी और बेड के नीचे छुप जाती थी वो उस फिल्म में काम करेंगे। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, and this is I think just the beginning and we have a long way to go, and as a just as many industry mein abhi pair rakha hai, and I hope ki we will do a lot of work and I will get to work with sir again and yeah, in wish, different ways. I wish you all the best and bas apne kalam ki talwar chalate rahiye. Thank you so much. Dekh ye hai basically ye ek aisi sorry for that le. Regarding the subject and what Ishq Tera is a film where you think it's like a it's a love, it's not really a love story. Ishq can be obsessive, compulsive, aur kai baar ye hota hai ki you know aajkal hum dekhte hain issue based subjects bahut aa rahe hain. एक ऐसा इशू है जो कॉमन भी है, लेकिन बहुत लोग दे डोंट कम आउट इन द ओपन. इट्स अबाउट अ स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. मैं दो किरदार प्ले कर रही हूँ. बहुत ही एक चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए, और ज़्यादा है मेरे लिए. इट्स वेरी एग्जॉस्टिव एंड एज एन एक्टर वेरी वेरी मैं कहूँगी कि मैं आई वॉज लकी कि मुझे एक ऐसा वुमन ओरिएंटेड लड़की के ऊपर कहानी बेस मिली, वेयर आई कुड एक्सपेरिमेंट एंड ब्रिंग आउट समथिंग डिफरेंट टू द ऑडियंसेज. बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे. मैंने साइकोलॉजी की है, सो आई अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स. आई हैव सीन सम पीपल लाइक दैट एंड उन्हें पता नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है. सो इट्स अबाउट मोर इट्स जो उनके इर्द गिर्द होते हैं, हाउ दे डील विद सच प्रॉब्लम्स. और एक स्पेशली अगर कोई आपका लव्ड वन हो, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, स्पाउस हो, आई थिंक इट्स अ जर्नी, इट्स अ थ्रिलर एंड कहीं ना कहीं आपके दिल को ज़रूर छुएगी बिकॉज इट्स एन इमोशनल स्टोरी. आई थिंक मोहित वॉज अ वेरी वंडरफुल सपोर्टिव एक्टर एंड आई थिंक कि स्पेशली जब एक अलग टाइप की कहानी होती है, यूनिक गुड एक्टर्स, सो the timing has to be right, everything has to be right. So I think he's really delivered and done a great, he was very very supportive I would say. Aur ye kahani kyunki ek real life incident se adapted hai, I think mere liye aur exciting tha, and not just for me and Mohit or the other actors, it was for everybody. And besides this project, the project you're working on right now? Well, I finished two films which I'm going to probably talk about once you see me back. The reason matlab actually ek story aur ek idea tha. Abhi maine pehla bhi jo picture banaya tha to picture hamesha real life ke बेसिस में होना चाहिए, हमेशा एक मैसेज होना चाहिए. तो हमने क्या सोचा कि ठीक है एक स्टोरी बनाएगा, बट स्टोरी पहला जो था इट वाज ऑन अ गर्ल विथ रेप, कोई रेप सीन था, तो सबने बोला सीआईडी जैसे हो गया. तो फिर जब हमने टाइप किया राइटर के साथ वो सब, तो हमने सोचा कि ये आइडिया सच में है, क्योंकि इंडिया में जब स्प्लिट पर्सनैलिटी है, अगर किसी का दिमाग ख़राब है तो हम क्या बोलते, अरे वो पागल है या भूत चढ़ा उस पर. एक्चुअली ये भूत का सवाल नहीं होता है, द होल स्टोरी इज़ अबाउट लव. और एक चीज़ है कि आदमी का ईगो, अगर आदमी किसी के साथ ही हैज़ एन अफेयर, औरत माफ़ करते कभी कभी एक दो बार, बट आदमी का दिल ऐसा नहीं, आदमी को वो ईगो इतना बड़ा होता कि अरे सो गया किसी के साथ बाय मिस्टेक, अभी इसका दिमाग ख़राब था तो इसलिए वो दूसरा पर्सनैलिटी बन के शी गोज अराउंड. तो ये सब क्वेश्चन आंसर्स, लोग कैसे व्हाट्सएप पे औरत को फंसाते हैं, या बॉसेस जो ओल्डर है लड़की को छेड़ता और लड़की सोचा रही है बॉस है बूढ़ा है, तो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइफ स्टोरीज बन के एक लव स्टोरी बन गया इसका. तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से एक प्रभाव छोड़े का, जिस तरह से दिखाया गया फॉरगिवनेस, आप कह रहे हैं कि वो मन को है फॉरगिवनेस ने, जो पागलपन है मतलब जो ट्रिगर्स है, क्यों वो स्प्लिट पर्सनालिटी बन गए, व्हाई डिड शी बिकम मैड, तो द रीज़न व्हाई शी बिकेम मैड, वो ट्रिगर्स निकाले या तो साइकोलॉजिकली यू कैन क्लियर द पर्सन माइंड. और एक एंड ए भी है कि जो भी है आई एम देयर, साथ में मैं साथ है आप, यू नो आई एम विथ यू, सॉर्ट ऑफ, दैट्स द होल आइडिया. थैंक यू.